Are we Chinkies? Are we Momos? Are we Chow Chow or Chow Mein? Are we Chinese? A big no. We are Indian. We North East people are Indian. Hey people, welcome back to my channel. This is me, your Smiti, and today I am back with this video. जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था कि व्हाट प्रॉब्लम वी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल यूज टू फेस, अगेन वही हुआ. ये बोलने पे लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है एज बिकॉज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम कहाँ आता है. सो मैं आपको बता देती हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट. ओके, सो ये जो प्लेसेस है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है. पारस करके एक लड़का है और उस पारस ने हमारी MLA, अरुणाचल प्रदेश की जो MLA है, पासीघाट के MLA, उनको इंसल्ट किया. एंड उसने पारस ने ये बोला कि ये तो चाइनीज जैसा लगता है, कोई भी एंगल से इंडियन नहीं लगता है, उनकी नेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इस तरीके का बोला. अभी उसने क्या किया, अपना जो वो वीडियो था उसको प्राइवेट कर दिया एज बिकॉज हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं यूनाइट होके उसके उसको रिप्लाई देना हम लोगों ने शुरू कर दिया था. वो कमेंट के थ्रू हो या फिर वीडियोस के थ्रू हो, इवन सब लोग यही बोल रहे हैं कि गो एंड उसको रिपोर्ट करो. ओके, मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. आप लोग भी जाओ और उसकी चैनल को रिपोर्ट करो एज बिकॉज ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है एंड दिस इज़ नॉट गुड. मैंने पहले भी मेरा जो सेकेंड लास्ट वीडियो है आई गेस, उसमें भी मैंने यही मेंशन करा था तो व्हाट आर द प्रॉब्लम वी पीपल यूज टू फेस, और उसमें भी मैंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके ही बात किया था. हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट है, क्या क्या है, सब कुछ मैंने बताया था. उसके बाद भी फिर से मुझे ये सब देखने को मिल रहा है. लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, आई कांट सी. और आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस. नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, पूरा इंडिया का मैप देख के ये बोल रहे हो कि ये चाइना का ही पार्ट है, दिस इज़ नॉट गुड. और अगर नहीं पता है तो गूगल इट, अच्छे से समझ लो, उसके बाद कुछ दो. वीडियो फटाक से बना के नहीं दिया जाता, राइट. उसमें एडिटिंग किया जाता है. उसमें भी थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि या मैं गलत बोल रहा हूँ तो यू शुड रीचेक. ऐसे कुछ भी मत बोल दो क्योंकि वी पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वी ऑल्सो हैव हार्ट्स, राइट. पारस ने बेसिकली ऐसे बोला कि ये MLA तो कौन से एंगल से इंडियन लग रहा है, ये तो बिल्कुल चाइनीज लग रहा है, इनका नाम वगैरह वगैरह बहुत कुछ. डू यू थिंक दिस इज द वे टू टॉक विथ अ पर्सन? आई डोंट थिंक सो. सो मैं क्लिप दे दूंगी और पारस का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. गो एंड रिपोर्ट दिस चैनल. हम लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने ये फेस किया होगा. पीपल यूज टू कॉल अस एज मोमो, चाउमीन, चिंकी, चाइनीज एक्सेट्रा. क्या ही बोल रहे तो भाई, वी आर नॉट मोमोज, वी आर नॉट चिंकीज एंड वी आर नॉट चाउमीन्स. एंड या वी आर इंडियंस, नॉट चाइनीज. आई होप कि अभी आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ है. और अभी भी पता नहीं चला तो मैं अपना पहले वाला वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी. गो एंड चेक इट वंस एज बिकॉज आपको तब पता भी चल जाएगा कि असम कहाँ है, असम नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं ये भी पता चल जाएगा. विथ अ पॉजिटिव वाइब आई एम एंडिंग दिस वीडियो. एंड अगर हम लोग अभी नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे. वी नॉर्थ ईस्ट पीपल आर Not Chinese. We all are Indians. अगर आपको नहीं पता नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, गो एंड गूगल इट. टेक योर ज्योग्राफी बुक एंड रीड वंस, बट डोंट रिपीट दिस अगेन. तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. तो आज की इस वीडियो में हम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि कल से एक न्यूज वायरल हो रही है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बैन करने वाले हैं इंडिया के अंदर. तो भाई साहब लॉन्च तो होने दो पहले। जिस चीज को अभी तक लॉन्च ही नहीं किया उसको तुम बैन कैसे करवा सकते हो। चलो मान लेते हैं कि भाई ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते कर क्या रहे हैं ये महाशय। तो चलते हैं ट्वीट पे। एक महाशय एमएलए साहब हैं ये हमारे, और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके ठीक है, इन्होंने लिखा क्या नोटिस के अंदर वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो इस नोटिस के अंदर मुझे जो समझ में आ रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंसेंट जो है वो काफी बड़ी कंपनी है, गेमिंग कंपनी मतलब, और 300 से ज्यादा जो गेम है उनके अंदर शेयर्स हैं इनके, है ना। शेयर्स मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। और टेंसेंट जो है वो हमारा जो डाटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है, अपनी मर्जी से ही, मतलब कुछ भी। टेंसेंट को तो निकाल दिया भाई, उसके जो शेयर हैं उसको तो कमीशन जाएगी ना, उसका नाम तो रहेगा ही ना। कितनी गेम्स में उसका नाम है भाई, ऐसी कोई गेम ही नहीं है जिसके अंदर क्राफ्टन ना हो। मतलब 100 में से 90% गेम्स में टेंसेंट के शेयर रहते हैं, क्योंकि वो है ही गेमिंग कंपनी है, सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, तो उसके शेयर तो रहेंगे। और इसने नोटिस के अंदर यही चीजें लिखी हैं कि पबजी मोबाइल को ही रीलॉन्च किया जा रहा है, नेम चेंज करके गन के नेम। भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे, कौन सी कहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तुम, हैं? मतलब कुछ भी। यहाँ पर हम पबजी वालों के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, हमें ही नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं, सिर्फ पबजी का नेम चेंज हो रहा है और हल्के फुल्के चेंजेस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए, और 2-3 चेंजेस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते, जब गेम आएगी तभी सबके सामने आएगा। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूं आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से। भाई साहब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके, हम आपके आभारी हैं, आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा। बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं हमारे देश के लिए सोचने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब वो बेकार भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैन किया, बैन करने के बाद अनबैन किया, पैसे लेके अनबैन किया क्या उनको, क्या मिलियंस डॉलर्स दे दिए क्या पबजी वालों ने? भाई कुछ सोच समझ के अनबैन किया होगा ना, उन्होंने शर्तें रखी होंगी और उन शर्तों को पबजी वालों ने फॉलो किया होगा, जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी होंगी उन्होंने दी होंगी। जो भी इनके बीच में बातचीत हुई है वो तो हमें नहीं पता। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैन किया था, उन्होंने अनबैन कर दिया, उनके बीच में क्या डील हुई है या फिर कैसे कैसे कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। ऐसे थोड़ी एक गेम बैन हुई और 8 महीने बाद अनबैन हो रही है और कोई लल्लू पंजू आके ट्वीट कर देगा तो उसके ट्वीट करने से कुछ हो जाएगा। भाई हर सिटी हर कंट्री में एमएलए होते हैं, और एमएलए, मैं नहीं कहता कि भाई एमएलए की कोई वैल्यू नहीं होती, बट भाई एमएलए के पास, मेरे यहाँ के, मैं क्या बोलूं भाई, एमएलए के पास भाई मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, छोड़ो। मैं आप सभी बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि भाई देखो किसी के भी ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दे दी, तभी टीजर आ रहे हैं, तभी ट्रेलर आ रहे हैं, तभी गेम प्ले स्टोर पे आ चुकी है, बस रिलीज होने वाली है, प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है, बस रिलीज होगी, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करके मौज करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो होगा यार सबके सामने होगा, सबके लिए होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके ट्वीट करने से कुछ होने वाला है। मैंने नाम भी पहली बार सुना है, शायद फेमस होने के लिए ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, मुझे आज तक ये दिखे नहीं, पिछले एक साल से गेम बैन है, इन्होंने कभी ट्वीट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। अचानक से इनको याद आई कि पबजी दोबारा से आ रही है, तो मैं हूं भाई बाहुबली बन के जाता हूं आगे और बैन करवाऊंगा। करवा लो भाई, बैन करवा लो, देखते तुम्हारे करने से कितना कुछ हो जाता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे हिसाब से तो कुछ होने नहीं वाला है इनके कुछ करने से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं क्योंकि काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फिर से बैन होने वाला है, फिर से बैन होने वाला है। भाई देखो परमिशन मिल चुकी है, तभी ट्रेलर आया ना, परमिशन ऐसे तो मिली नहीं, तो टेंशन मत लो, गेम जल्दी आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। बाकी देखते क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।